नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूरिक एसिड के बारे में। हमने अक्सर सुना है कि लोगों का यूरिक एसिड बढ़ गया है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कैसे कम करें। आज की वीडियो में मैं इन डिटेल बात करने वाला हूं यूरिक एसिड के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि यूरिक एसिड के बारे में वो छोटी सी छोटी जानकारी भी आपके साथ शेयर कर सकूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सवाल उठता है वो होता है, आखिर में ये यूरिक एसिड होता क्या है, ये किस बला का नाम है, यूरिक एसिड क्या चीज़ क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूरिनेंस। ये जो प्यूरिनेंस होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जब ये टूटता है तो एक वेस्टेज मटेरियल प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। मतलब कि प्यूरिनेंस का जो वेस्टेज होता है वो होता है यूरिक एसिड। अब जहन में सवाल उठता है कि आखिर भैया ये यूरिक एसिड का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, क्या यूरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाने के लिए बना होता है क्या। तो समझते हैं कि यूरिक एसिड का रोल क्या होता है। देखिए दोस्तों, भगवान ने हमारे शरीर में हमें जो भी चीज़ें दी हैं उसका एक डिफाइंड रोल होता है, तो यूरिक एसिड का भी एक रोल होता है। उसका रोल ये होता है कि ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है हमारे शरीर में। तो क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, उनके रिपेयर में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो होता है उसको बढ़ाने में यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये प्यूरिनेंस का जो है वेस्टेज होता है, तो क्या होता है, जब ये ब्रेकडाउन होता है तो जो यूरिक एसिड बनता है ये हमारे पहुँच जाता है ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से ये फिल्टर होने के बाद ये स्टूल के ये जो है पेशाब के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब क्या होगा अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की कमी हो जाए, तो पहले समझते हैं कि ये यूरिक एसिड कहाँ से बनता है। हम जो भी प्रोटीनियस चीज़ें खाते हैं, अगर उसके उसके वजह से हमारे शरीर में एक केमिकल उसको बोलते हैं प्यूरिनेंस, वो बनता है, और उसके वजह से उसका जो ब्रेकडाउन होता है तो ये यूरिक एसिड बनता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट का हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, यानी कि उसका बीपी बढ़ सकता है और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने की शिकायत देखी गई अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड लेवल घट जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज क्या होता है। दोस्तों, यूरिक एसिड का जो टेस्ट होता है वो हमारे ब्लड के माध्यम से होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 4 mg से लेकर के 8 mg पर 100 cc। अगर इसके अंदर आपका यूरिक एसिड लेवल है तो ये नॉर्मल है, अगर इससे ऊपर है तो आप समझ सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब जहन में सवाल उठता है तुरंत ही कि आखिर यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हुए, जैसे कि घुटनों के जॉइंट्स हुए, जैसे कि गर्दन के जॉइंट्स हुए, इन सभी में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होना, स्वेलिंग होना, ये एक लक्षण होता है यूरिक एसिड बढ़ जाने का। अब अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे करना क्या है, वो सारी चीज़ें वो खानी बंद कर दे जिनमें प्रोटीन होता है, जैसे मांस मछली, जैसे अंडा, जैसे दाल, जैसे आपका चना, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, इनको आप खाना कम कर देंगे तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल लगेगा। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा पानी का सेवन कर पाएँ, जितना ज़्यादा पानी पी पाएँ, आपका यूरिक एसिड उतना ही ज़्यादा नॉर्मल रहेगा। अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन भी है तो भी वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप अगर पानी लगातार पीते रहेंगे तो भी आपको यूरिक एसिड नॉर्मल ही रहेगा। अब आइए समझते हैं कि यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ गया तो हम ऐसी स्थिति में कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर बात आती है दवा की तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। लेकिन मैं एक फार्मासिस्ट हूं, मैंने बी फार्मेसी की है, मैं एक फार्मासिस्ट हूं, मुझे थोड़ा बहुत जो जानकारी है मैं आपके लिए एज आ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि यूरिक एसिड में कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक दवा आती है GSK कंपनी की, से हम बोलते हैं जायलोरिक 100 mg, ये बहुत ही सेफ दवा होती है। सुबह शाम इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यूरिक एसिड से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक दवा आती है फ्यूबरिक 40 mg, ये दो दवाइयाँ मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती हैं जो आपके यूरिक एसिड में
प्रयोग की जाती है अगर आपका बढ़ा हुआ यूरिक तो। तो ये तो था वो सब कुछ जो मैं आपको आसान तरीके से कम समय लेते हुए बता सकता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। आज थोड़ा सा तबीयत नासाज थी, गले में खराश थी, आवाज़ निकालने में समस्या हो रही थी, फिर भी वीडियो तो बनाना ज़रूरी था, आपके साथ लगातार जुड़े रहना बहुत ज़रूरी था, आपके जो मेरी ड्यूटी है फार्मासिस्ट की वो निभानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वीडियो तो बनाना ही था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुँच सके। ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।